नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजी लॉकर के बारे में, जिससे हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC और 10-12 की मार्कशीट्स और भी बहुत डॉक्यूमेंट्स हम डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए अब हमें डिजी लॉकर का ऐप को इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो नया अपडेट आया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप अपने व्हाट्सएप से ही सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकेंगे बड़ी आसानी से, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक नंबर को सेव कर लेना है अपने कॉन्टैक्ट्स में। जो नंबर है, आप ये नंबर सेव कर लेंगे अपने फ़ोन में किसी भी नाम से, और उसके बाद अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे हाय मैसेज को टाइप करना है। यहाँ पर आपको डिजी लॉकर सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका क्रिएट नहीं है तो आप नो को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे आधार कार्ड मांगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, आपको उसको भी एंटर कर देना है, तब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जैसा कि मेरा अकाउंट क्रिएट है तो मैं मेन मेन्यू पर जाकर यस सिलेक्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। मैंने OTP डाला, उसके बाद ये मेन्यू मेरे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप के सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप इसके अलावा जो 1-6 शो हो रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ इशू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इशू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी कि आप व्हाट्सएप के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने लिस्ट ओपन हुई है 1-8, बस यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी आप व्हाट्सएप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। तो चलिए, जैसा कि मैं नंबर 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ पैन कार्ड के लिए, यहाँ पर मुझसे मेरा पैन कार्ड नंबर मांगा है तो मैं उसको एंटर कर दूँगा और ओके कर दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मुझसे पैन कार्ड नंबर मांगा गया, मैंने पैन कार्ड डाला तो मुझसे मेरा नाम मांगा गया। दोनों चीज़ आप जब आप एंटर कर देंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा थैंक यू का, उसके बाद आपका पैन कार्ड का PDF कॉपी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक कर उसको अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं, और अगर आपको अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने लिस्ट वापस यही ओपन हो जाएगी, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे कोविन सर्विसेज का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप मेन मेन्यू पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे मेन मेन्यू पर, आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोविन सर्विसेज और डिजी लॉकर सर्विसेज आ जाता है। तो डिजी लॉकर सर्विसेज के बारे में मैंने बात कर ही ली है, अब हम बात करते हैं कोविन सर्विसेज के बारे में। कोविन सर्विसेज पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोविन सर्विसेज के रिलेटेड डिटेल्स मिल जाती है, और अगर आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वापस से हमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा क्योंकि हमें अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। यहाँ पर हमसे जो जिस नंबर से हम व्हाट्सएप चला रहे हैं इसी नंबर पे हमारा OTP जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का वही नंबर चाहिए जो आपने वैक्सीनेशन के दौरान आपने नंबर दिया था। अगर आपको डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं तो आप किसी के भी
व्हाट्सएप पर अपना आधार नंबर और ओटीपी डालकर डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड नंबर से व्हाट्सएप चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है सब कुछ। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।